हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दीपचंदनी कुमनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज है शनिवार और सुबह का भी 8 बज गया है। ऐसे तो सुबह का आज पहली बार मैंने चाय पिया है। तो देवर और मेरा ननद का भाई, मेरे हस्बैंड भी है जो मेरा भाई है, तो दोनों भाई भी है घर पे, तो उन लोगों को चाय दिया, तो मैं भी चाय ही आज पी लिया पहली बार। ऐसे तो कुछ दिन पहले बीमार ठीक हुआ है, अभी फिर से मैंने चाय पीना शुरू किया। ये मैंने बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए। तो आज ही पिया, आज के बाद नहीं पीलूँगी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह नहीं तो ऐसे ब्रेकफास्ट बनता है तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो आज नहीं बना, चाय ही बना। तो अभी मैं चावल बिठा दिया हूँ, और आज घर में ना एक बकरी भी काटा है, तो ऐसे बेचने के लिए, मीट बेचने के लिए, तो ऐसे काट रहा है, देवर लोग मिल के काट रहे हैं, भाई भी है, हस्बैंड भी लगा हुआ है। तो कस्टमर हम लोग को जो है वो पहले से बुकिंग कर लिया, उसके बाद बकरी को ला के काटा है, तो कुछ पैसा भी निकल जाएगा, घर में भी खाने के लिए हो जाता है ऐसे। तो बने रहे मेरे साथ, तो चलिए तो आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो मैं जैकेट पहन के रखा हूँ, क्योंकि सुबह से हो रहा है बहुत, मतलब सारे रात हुआ है बारिश, और हम लोग को कपड़ा सुखा रहे हैं। कहाँ पर देखिए, ऐसे सुखा रहे, इधर सोफा पे भी देखिए, चारों तरफ कपड़ा सुखा के रखा हुआ हमें, बैठने के जगह पे पड़ा कपड़ा सुखा के रहा, सारे रात फैन चला के रख दिया, तो पहनने के लिए लाइक हुआ है, लेकिन पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं है। सब बारिश हो रहा है, पता नहीं कब धूप देगा। तो चलिए तो आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। अभी फिर से फैन को चला के रख दूँगी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है घर पर। यार मैं मीट नहीं खाऊँगी, इसलिए मैंने ये देखिए दांग बदी आलू का सब्जी बनाई हो, अभी इधर चावल हो गया, बस देख सकते हैं इधर मीट काटना हो गया। और वैसे मीट को अभी कैरी बैग, जिसको जितना चाहिए उतना सब ऐसे कैरी बैग में बांध बांध कर रख दे रहा था, सुविधा होता है देने के लिए, इसीलिए हम लोग अभी भाषण रखने के लिए आए हूँ। तो यहाँ पे बहुत शोर है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, देख सकते हैं। इधर फर्स्ट सेफ्टी के लिए फायर ब्रिगेड भी रखा हुआ है, और देख सकते हैं रास्ते पर पूरा आदमी भर्ती चारों तरफ, मतलब, और दलंग में तो जगह ही नहीं है पाव देने के लिए इतना आदमी, क्योंकि दलंग से क्लियरली दिखाई देता है, इसलिए वही पे बहुत ज़्यादा आती है। तो यहीं पर होगा फिर से हम लोग यही फ्रंट में ही रुके हुए, मौका देखते उधर जाने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि पास से थोड़ा देखो बोल के। तो बने रही है मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा हम लोग पे। मैं ऐसे दो बार होगा, ये सेकंड टाइम होगा मेरा भाषण देख रहा। मैं जब लड़की थी तब मामा के घर पे मैंने भाषण देखा था, और आज मैं हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ आई हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। सो गाइस, यहाँ पे है ना प्रशासन का व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से किया है, और सिक्योरिटी पूरा टाइट है, ये वाला चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। और लोग उन लोगों का बात मान रहा है प्रशासन का, वो भी एक चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए एक मूर्ति आ रहा है उस तरफ से, माकुम की तरफ से आ रहा है, और ये देखिए हमारा फैमिली सब लोग मिल गए। ये ननद है मेरा, देवरानी दोनों है, उन लोग का बेटी है, ननद है, और ये छोटी हम लोग का गुड़िया भी है जो उसका बड़ बाप के गोद में है, और ये हस्बैंड का दोस्त एक मिल गया जो मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देखता है, बोल रहा है। और इधर छोटू को देखिए, वो बहुत खुश हो गया वो गुड़िया को मिलके। और सब लोग इधर, थोड़ा थोड़ा बारिश आ गया तो मैंने बोला सबको छाता लेने के लिए, और जितना बच्चा है बच्चा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा भीगने से भी चलेगा, लेकिन बच्चा तो भीग जाए वो अच्छी बात नहीं होगा ना, हम लोग को बीमार भी हो सकता है। तो ये देखिए हम लोग का देवी माता आके पहुँच चुके हैं, और पास से दर्शन कर पा रही, ये चीज़ देखे बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम तो अच्छा है, लेकिन बारिश कहाँ से आ रहा है पता नहीं। ये ऊपर में देख सकते हैं आकाश पूरा सफा हो रखा है, लेकिन बारिश दे रहा है। तो ये नियम भी होता है, प्रकृति का नियम। इधर देखिए भाषण शुरू हो गया, अभी ये शाम हो गया, शाम का वक्त है, हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं अभी घर जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जितना रात रुकेंगे उतना हम लोग को प्रॉब्लम होगा बाइक निकालने के लिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतना ज़्यादा इधर ट्रैफिक हो गया है, गाड़ी बाइक या कुछ भी साइकिल भी जा नहीं सकता, इतना भीड़ हो गया रास्ते पर। इधर मूर्ति तो ला ही रहा है कम, अभी तक तो हम लोग 6-7 मूर्ति तो देख लिए, और भी है तो इतना देर नहीं रुकेंगे। हस्बैंड को बोल रहा है चलो चलते हैं, बच्चे भी ठंडा लग जाएगा, क्योंकि टोपी नहीं लगाए हो ना अभी, तो शीत पानी भी गिरना शुरू हो गया, अभी शाम का वक्त है ना। तो मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के पास, अच्छा लगा बुरा लगा आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए, तो मुझे और अच्छा लगेगा, क्योंकि और कैसा कैसा ब्लॉग चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, तो इसमें देखिए और एक देवी माँ, मैं आप लोग को दर्शन करा दे रही हूँ, और हम लोग निकलेंगे अभी। तो गाइस मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को दशहरा का बहुत बहुत फिर से बधाई। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, ये
वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अच्छे से रहिए, खुश रहिए, देवी माँ आप सभी को मंगल करे। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय एवरीवन, खुश रहिए।